पीला वाला नीला वाला लेंगे वही बनाना है। मैं सोच रहा हूँ यार मैं निकल जाऊँ बहन चोर करके ऐसा हो गया इसके साथ, पर वैसे है ये खाली ट्रक है, छोटा सा है। जय हिंद वंदे मातरम, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार और हमारे वाइडी ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे दोस्तों, स्वस्थ और मस्त आप लोग जरूर होंगे, क्योंकि आज मैं वीडियो थोड़ा देर से शुरू कर रहा हूँ, इस करके काम तो सारा हो ही रहा, मशीन सारी चल रही हैं, इसलिए देर से शुरू कर रहा हूँ कि आते ही इतना मेरे को काम पड़ गया था कि मैं करते करते टाइम नहीं मिला और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप लोगों से मैं बोला था कि अगर जो मेरे मतलब इसमें क्या बोलते हैं ब्लॉग, जो मेरे ब्लॉग में आना चाहता है उसको मैं ले आऊँगा, जो नहीं आना चाहता है उसको नहीं ले आ सकता। इसलिए मैं चलिए चलता हूँ अभी, एक अपना काम कर लूँ पहले धागा वागा का, इसके बाद फिर मिलता हूँ लोगों से। तो अभी मैं आया था धागा लेने और उसके बाद देखा अभी कल यहाँ पर बहुत सारा मतलब साफ था, ये चीज़ सारा साफ था। अब यहाँ क्या हो गया, एक बोरा यहाँ एक बोरा वहाँ, उतना सारा बोरा वहाँ खिलर गया, उतना सारा वहाँ खिलर गया है। अब इसको फिर से ठीक करेंगे या देखते हैं, अगर वो आ गया तो उससे ठीक करवा लेते हैं। और इसके साथ साथ पहले हम करते क्या हैं कि थोड़ा हमें यहाँ पर हवा की ज़रूरत है, तो हवा तो है नहीं अभी, थोड़ी सी पॉइंट कम है, तो इसको चला देते हैं भर जाएगा। तब तक हम चलते हैं धागा का भी काम देख लेते हैं, ऊपर क्या भराई हो रहा क्या नहीं हो रहा। यार भाई मैं पंडित जी को इधर ढूंढने आया था, पंडित जी यहाँ मिले हैं, हैं ये देखो पंडित जी यहाँ आ रहे हैं। यार गुरु मेरी एक बात सुनो, वो कैसे ये बताओ, ठीक हो? ठीक हो। अच्छा एक बात सुनो यार, कपड़ा बनाना गुरु, कपड़ा कौन सा कपड़ा, ये वाला धागा ले लो, पीला वाला, पीला वाला नीला वाला ले लिया, वही बनाना है। हिमांशु दिया कपड़ा बनाना है, आपको बनाना है इस पर 7 नंबर 11 नंबर, ठीक है 3 कोना ले आजे भाई। ये वाला देखो पीला कौन सा है, अरे यार ये तो बेबी शॉप है, बेबी शॉप कपड़ा बनवाओगे भाई। अच्छा ये ब्लैक वाला बनेगा ना, ये बात ध्यान देना, ये ब्लैक सारा बना देना कपड़ा, ठीक है? जब मैं ब्लैक लगाऊंगा तब। तो मेरी बात सुनो यार, मेरा येलो का कपड़ा बना दो यार। बनाता हूँ। कहाँ चले आए थे? मैं सोच रहा हूँ यार मैं निकल जाऊँगा बहन चोर। क्या? चलो यार मैं आया था ऊपर वाले हाल में, हिमांशु अभी काम पे लगा हुआ है और इधर तिवारी जी भी काम पे ही लगे हुए हैं, इनकी मशीन आज तीनों चल रही है। आज बड़े खुशी खुशी में है कि हमारी मशीनें आज तीनों चल रही है। और ये देखिए क्या बात है, तिवारी जी आज बड़ा खुश लग रहे हैं, आज की आज आपकी मशीन तीनों चल रही है। चलिए चलते हैं, हो सकता हो मेरी मशीन भी खड़ गई होगी, क्योंकि खड़ने वाली थी तो मैं आ गया था इधर धागा देख रहे, धागा देख के फिर चलता हूँ नीचे। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम उस जानकारी की तरफ चलेंगे जो जानकारी हमने पहले वीडियो में दे रखी है, और आज हम जिस फीस में लगाए हैं उस फीस के बारे में भी बताएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने कैसे कैसे लगाया हुआ है और कैसे नहीं लगाया हुआ है। जहाँ तक हमने जितना हमें ज़रूरत है हमने उतना लगाया, और जितना हमें ज़रूरत नहीं है उतना हमने नहीं लगाया। आप लोग अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और ये 10 गेज की मशीन है, इस हिसाब से हम अपना आप लोगों को एक बेस बताते हैं मैनुअल का। तो चलो भाई पहले तो ये बताओ कि आप ये बताओ कि आप बता क्या रहे हो? हम बता रहे हैं कि साइड में जो कान आती है तो 20-20 सुई कैसे टाइट करना है, जो भी हो 18-20 जो भी सुई है जो साइड की कान होती है उसको मशीन से कैसे सही करें। तो उसको सबसे पहले आप मैनुअल काटिए, सारा कुछ काट दीजिए, बाहर आ गए तो सबसे पहले हम कौन सी बटन को प्रेस करेंगे, कहाँ जाएंगे ये बताइए। सबसे पहले हम बटन को प्रेस करेंगे जहाँ उंगली बनी है इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करिए। इसके बाद आना है स्टिच सेटअप पे, एक मिनट कहाँ पर आना, अच्छा रूलर आ गया, कोई चक्कर नहीं है इसको यहीं रहने दो, अभी हम आगे इसकी जानकारी बताते हैं आपको। इसके बाद कहाँ पर आते हैं? इसके बाद आते हैं स्टिच सेटअप पे आएंगे, स्टिच सेटअप पे, हाँ जी। इसके बाद करते क्या है, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो भी आपकी मशीन का पासवर्ड होगा, पासवर्ड आप लोग अपना पासवर्ड भर लीजिएगा जो भी पासवर्ड होगा। इसके बाद आगे चलिए क्या करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर लाते हैं, एंटर के बाद फिर कहाँ आते हैं, इसके बाद आते हैं एज स्टिच एडजस्ट पे, हाँ। चलिए इसको एंटर करिए, एंटर करने के बाद अब कहाँ पर आया है हमने, यहाँ पर हमारे नंबर पर जैकार्ड चलता है। तो और सबसे पहली बात जानने वाली ये है, मैं बता रहा हूँ भाई,
कि जो नंबर को करना, जैसे हमारा 8 नंबर में जैकार्ड चल रहा है तो हमने 8 नंबर को किया, अगर 9 नंबर में जैकार्ड चलता तो 9 नंबर पे करेंगे। जैसे और नीचे आओ दिखाओ हमें, ये देखिए दोस्तों एक 10 नंबर चल रहा है और एक 9 नंबर। जिस पर अगर, एक बात और है कि जिस पर अगर चलेगा उस पर ऐसा निशान हो जाता है, यही ना, ये स्टार का निशान, स्टार बन जाएगा जिस पर चलेगा वो, यहाँ पर आगे नीचे ले चलो 11 12 भी चल रहा, 13 भी चल रहा, 14 भी चल रहा, 15 फिर नहीं है, क्योंकि जिस पर चल रहा उस पर स्टार का निशान बना हुआ है। तो हमने केवल, हमारा जैकार्ड 8 नंबर पे है, चलिए आप 8 नंबर पर चलिए, तो हमने 8 नंबर पर ये देखिए यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, जो हमने कान दोनों साइड ना आए वहाँ पर ये लगा दिया है। और आप लोग ये कर सकते हैं, जिस साइड आती है उस साइड का लगाइए, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ स्टाइल लेफ्ट और स्टाइल राइट दिया हुआ ना यहाँ पर, तो ये ऐसे लग गया है। ये भाई हमसे पूछ रहे थे, एक कन्फ्यूजन था इनको, तो वो कन्फ्यूजन ये था कि क्या था भाई आप बताओ? कन्फ्यूजन ये था कि जैसे यहाँ पे 20 सुई का डाल दिया है हमने, 80 कहाँ से आया, तो अब समझ में लग गया कैसे है। ये भाई साहब जहाँ मर्जी काम किए हैं, एक काम करते थे लेकिन इनको यही नहीं पता होता था, -80 लगाते थे लेकिन ये क्यों आता था इनको भी हमने बताया और समझा दिया। आप ये भी समझ गए कि कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्यों लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक की है ना, हो गया ओके, आप भी संतुष्ट हो ना ये। चलिए दोस्तों ठीक है, अभी हमारी मशीन इधर बोल रही है, अभी आप लोगों से मिलते हैं। यार इधर से हम जा रहे थे मास्टर जी के पास से, तो उधर देखिए वो ट्रक वाला है ना, ट्रक देखिए कैसे उसको अंदर डाल के रखा हुआ, वो देखिए कैसे अंदर गिरा के रखा हुआ ये वाला, लगता है कोई रात को नींद में आया था इस करके ऐसा हो गया इसके साथ। पर वैसे है ये खाली ट्रक है, छोटा सा है, मिनी ट्रक है, ये लग गया इधर।